गुस्सा आ रहा है पापा को, मुझे पता है। सच में पापा, कभी अगर ये म्यूजिक वीडियो एंड एक्टिंग ना होती तो पापा ने तो अभी तक धुलाई कर दी होती। मिया देखो, पता है तेरे को हमने ना घर में इसीलिए लाया हुआ है ताकि ना घर में चूहे ना आए, और ये जो कौवे कबूतर बाहर गंदा करते हैं ना उनको भी यहाँ से भगाने का, समझे तू? तभी देखो खाना मिलेगा। देखो उधर बाहर कौन है? ठीक है।
अभी टाइम में जो सबसे ज्यादा पसंद है लेडीज को, किचन। आ जाओ मैं आपको किचन दिखा दी। ये देखो ये कितने बर्तन है हमारे घर में, देख रहे हो कैसे लगा, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट्स पे। हे गाइस, आप सबको पता है इसको क्या बोलते हैं? इसको है ना रैग बोलते हैं। और पता है ये किसका है? ये है ना मेरी नानी का है, मतलब कब का है ये? वाओ, 25-30 साल पुराना है। 25-30 साल पुराना रैग है और जैसे की वैसे ही है ये। देखो ना, देखो हमने ना इधर की साइड भी ये छोटा सा स्टैंड लगाया हुआ है। यहाँ पे ना मसाले का डिब्बा रहता है, फिर चीनी, और फिर उसके बाद में ये चाय पाउडर, क्योंकि हम चाय ला रहे थे, हमें ना दिन में दो बार चाय पीते हैं। ये सब है ना मेन मेन चीजें ऊपर रहती है। यार मेरे फ्रेंड्स देखो ना आने में कितना टाइम लगा रहे हैं। अब जब तक वो आ रहे हैं तब तक मैं क्या करूं? आइडिया, एक काम करते, कृष्णा के साथ है ना पिलो फाइट करते, ऐसा ढूंढेंगे ना उसको। चलो अभी तो अभी हम दोनों खेलने वाले हैं पिलो फाइट। रुक जा, अभी गेम स्टार्ट नहीं हुई है। यो लाओ मेरा पिलो दो। हम दोनों ना ऐसे ही झगड़ते रहते हैं, पिलो फाइट करते रहते हैं, हमको बहुत मजा आता है। अभी मैं कैमरा यहाँ लगा देती हूँ और हम हमारा गेम स्टार्ट करते हैं। यस, देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। पिलो फाइट करते हुए मैंने कृष्णा की एक बात नोटिस की कि वो बस पिलो फाइट करने की एक्टिंग कर रहा है और मुझे मार ही नहीं रहा। वो बस मेरी खुशी के लिए खेल रहा है और मार खा रहा है। ऐसा तो है मेरा कृष्णा भाई। वैसे बताओ किस किस के भाई बहन ऐसे पिलो फाइट करते हैं? हम तो बहुत करते रहते हैं, हमारा रोज का ही है। 2 hours later. तो अभी हम लोग है ना 10 मिलियन का सेलिब्रेशन करने वाले हैं ना, तो ये लोग मेरे लिए, मैं भी करने वाला हूं, तो ये लोग मेरे लिए ना डांस स्टेप बिठा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो और गाइस मेरा डांस देखो। तू ये डांस करने वाला है 10 मिलियन सेलिब्रेशन में? करके बता बच्चे, फिर से एक बार बता, करके बता, सीखो सब सीखो इससे। गाइस बच्चे, गाइस इसलिए डांस करा, छपरी डांस है। नहीं रे, वो वाला स्टेप कर देना, स्टेप वो। टेक सीरियस गाइस, चलो अभी ये लोग डांस प्रैक्टिस करने वाले हैं, आप सब लोग भी देखो। ठीक है, करेंगे हम।
बच्चा ऐसे नहीं करते हैं, पापा देख रहे हैं। तो फिर कैसे करते हैं? बड़ी है ना। चलो सीरियसली स्टार्ट करते हैं। गाइस हम ना पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए कि इन्होंने क्या कोरियोग्राफी बिठाई थी और अभी ये क्या कर रहे हैं और क्या भूल गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारी कोरियोग्राफर मैम खुद कंफ्यूज है, अब क्या कर सकते हैं बताओ आप सब। 2000 years later. चलो फाइनली कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस दोनों, हम तीनों को डांस आ गया, मतलब हुक स्टेप फाइनली आ गए। हाश अभी आप थोड़ा सा एकदम एक झलक देख लो हमारे डांस की, बाकी का तो आपको है ना सेलिब्रेशन वाले वीडियो में ही देखने मिलेगा। ठीक है कैसा लगा बताओ जल्दी कमेंट्स में। पूरा जो सॉन्ग है ना वो तो आपको सेलिब्रेशन वाले वीडियो में ही देखने मिलेगा। मैं नीचे सोए वाला था लेकिन फिर ना ये लड़का मैं ये लड़कियों का डांस चुपके से देखने के लिए चलाया और इन्होंने अभी डांस कर रहे हैं कि बंद कर दिया, मैं जाता भी नीचे फिर से। वैसे मैं क्या बोल रहा था कि मेरे को भी है ना सेलिब्रेशन के दिन डांस करने का है, क्योंकि ये सेलिब्रेशन है ना सिर्फ मेरे दीदी का नहीं है, ये चैनल है ना मेरा भी है, मेरे भी 10 मिलियन हो गए ले, तो मैं ये लड़की के साथ में डांस कर रहा। आई उधर चुपके देख रही, चल उधर। तो ये दोनों है ना हमेशा की तरह लेट आए, इसीलिए इनके डांस प्रैक्टिस है ना अभी चल रही है, और देखो ये कैसे डांस कर रहे हैं। तो मेरा फर्स्ट रोमांटिक म्यूजिक वीडियो जो है वो रिलीज हो गया है, तो चलो अभी हम लोग है ना पापा को मेरा म्यूजिक वीडियो दिखाते हैं और देखते हैं पापा के रिएक्शन। और हाँ गाइज यार, मेरे सामने एक्टिंग करने के लिए ना एक प्रोफेशनल एक्टर था, तो मुझे है ना ऐसे मतलब एक्टिंग करने के लिए ना बहुत नर्वसनेस हो रही थी, दिमाग में 100 तरह के सवाल थे कि यार मुझे अच्छा करना है, मैं कैसे करूँगी, बहुत नर्वसनेस हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने ना अपना 100% एक्टिंग देने का ट्राई किया है। प्लीज़ आप सब लोग जल्दी से म्यूजिक वीडियो देखो और मुझे बताओ कि मैंने कैसे एक्टिंग किया है। चलो अभी पापा को म्यूजिक वीडियो दिखाते हैं, लेट्स गो जल्दी। तो तेरे दिल तक आने सॉन्ग का ना सिर्फ पापा ने टीजर देखा था, आज सॉन्ग रिलीज हो गया तो पापा की रिएक्शन देखते हैं। ठीक है नाम देखो, ठीक है देखो देखो आप देखो। शूट करते टाइम पे ऐसा लगता नहीं कि मतलब ना ऐसा आने वाला है वो। हाँ। फिल्मी टाइप गुस्सा आ रहा है पापा को, मुझे पता है सच में पापा। कभी अगर ये म्यूजिक वीडियो एंड एक्टिंग ना होती तो पापा ने तो अभी तक धुलाई कर दी होती। ये सब ना मतलब इसमें शूटिंग में ही ठीक है, ऐसे रियल में पॉसिबल नहीं है ना, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है हाँ, और मेरे फैमिली में तो पॉसिबल ही नहीं है, कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। ये देखो ना आप कैसे लग रहे हैं, ऐसा अगर इधर हो रहा होगा ना तो मैं कहीं ना कैसे तो मैं देख ही लूंगा मतलब कोई हमारे घर के कंपाउंड में ऐसे जम करके आ जाए तो पकड़ा गया फिर ये वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ब्रिज कितना अच्छा लग रहा है देखो, तू भी कितनी मस्त लग रही है इसमें। हाँ, ये वाला सीन देखो यहाँ पे कितनी अच्छी लग रही है, ये ब्रिज की लाइटिंग्स भी अच्छी थी। मैं सिर्फ पापा की रिएक्शन देख रही हूँ। पापा आ गए पीछे से, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया मैंने आ जाना चाहिए वहाँ पीछे से, है ना। सुनो सुनो सुनो, शॉप में भी अच्छी पेंटिंग बन सकती है।
क्या था पीछे ले लो बता मतलब ये पापा को पता ही नहीं था तू भी कंटिन्यूड यस दे विल एवर मीट अगेन देखा पढ़ा नहीं हमने तू भी कंटिन्यूड मतलब दूसरा भी सॉन्ग आने वाला है ये पार्ट टू भी बनेगा इसका पार्ट टू पापा बताओ कैसा लगा म्यूजिक वीडियो अरे ये सब है ना मतलब म्यूजिक वीडियो में ठीक है मतलब क्या कि जो भी सब मतलब देख रहे हैं ना गर्ल्स स्पेशली गर्ल्स बॉयज गर्ल्स सब ये म्यूजिक वीडियो में ये सब अच्छा लगता है देखने को अच्छा लगता है गाना सुनने को अच्छा लगता है रियल लाइफ में ये उतारने की कोशिश नहीं करना चाहिए यस ये डिस्क्लेमर है सबके लिए पढ़ाई वढ़ाई करो काम वाम करो जब 21 साल के हो जाओ तो फिर इसके लिए टाइम है ठीक है हाँ ठीक है म्यूजिक वीडियो कैसे लगा वो बता हाँ तू तो हमेशा अच्छी तू तो पापा को नींद में से उठी तो भी प्यारी है उसमें क्या नहीं तो भाई है वो प्यारी तो और क्या बहुत अच्छी लग रही हाँ प्रवेश भी बहुत अच्छा हाँ प्रवेश भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे वो व्हाइट वाले दोनों के ड्रेस में बहुत अच्छा लग रहा है हाँ ब्रिज वाला सीन किस किस को अच्छा लगा जल्दी से पहले कमेंट्स में बताओ ठीक है तो मैंने ना एक बार बोला था कि मैं ना अभी फिलहाल रोमांटिक म्यूजिक वीडियो नहीं करूंगी क्योंकि अगर पापा तब परमिशन नहीं दे रहे थे लेकिन अभी पापा ने कैसे परमिशन दे दी आ जाओ पापा से ही पूछते हैं बताओ पापा सबको ऐसे ही परमिशन नहीं दी मैंने मैं पहले तुमको लेके उधर मुंबई गया कौन प्रोडक्शन हाउस है किसका प्रोडक्शन है कौन म्यूजिक वीडियो बनाने वाला है उनसे जाके मिले है ना वीडियो में देखा ना सबने सबने देखा सबसे जाके मिले उनसे पूरे दिन भर उनके साथ में बिताया तब जाके जब अच्छा प्रोडक्शन हाउस था तब जाके मैंने परमिशन दी कि हाँ बाबा ठीक है कर लो ठीक है और सामने को एक्टर कौन था वो भी मैंने पहले जान के लिया ठीक है ये शूट होने से पहले हम प्रवेश से भी मिले समझे हाँ लेकिन हम पहले मिले प्रवेश से मिले सब हम प्रवेश ने और मैंने तो दिन दिन भर साथ में बिताया बातें करते हुए ठीक है तब जाके मैंने परमिशन दी अब लेकिन पार्ट टू का क्या है अभी वो टेंशन ना ले फिर से जाना पड़ेगा मुंबई मिलने के लिए प्रोड्यूसर सर के हाउस तो ये मेरे को तुमने बताया कि नहीं पार्ट टू का सीन है इसमें सरप्राइज था सरप्राइज था आपके लिए अभी पता चल गया उसकी क्या स्टोरी रहेगी अभी वो भी सरप्राइज है आपके लिए और आप सबके लिए भी वो सरप्राइज है ठीक है सो मेरा न्यू म्यूजिक वीडियो आ गया है वाला डीजी यूट्यूब चैनल पे सो आपने अभी तक मेरा म्यूजिक वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखो और लाइक कर दो सो चलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही अब लग जाते ग्रैंड 10 मिलियन सेलिब्रेशन की तैयारी में और हाँ सेलिब्रेशन होगा संडे को 15 अक्टूबर को आप सब लोग रेडी रहना और बताना शॉपिंग वाला वीडियो चाहिए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो बाय मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में